स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज ये होने वाली है ग्रैंड वेनिस मॉल की। तो गाइज ये मॉल कहाँ पे पड़ता है और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा नियरेस्ट स्टेशन है, कितना टिकट लगने वाला है, तो भाई सारी बातें समेट के मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो भाई इस मॉल का पूरा कम्प्लीट टूर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो भाई ये है वेनिस मॉल और ग्रेटर नोएडा में। एक्चुअली दोस्तों पहले बात कर लेते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ का क्या टाइमिंग रहने वाला है। तो भाई फाइनली पहुँच गया मैं ग्रैंड वेनिस मॉल पे और यहाँ मतलब फ्री चौक से हम लोग 10-10 रुपये देके ऑटो में पहुँच गए हैं। और आप भी पहुँच सकते हैं 10 रुपये देकर ऑटो में और बिल्कुल आसानी से। चलिए गाइस बात करते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है। तो भाई ये मॉल है दिल्ली NCR का सबसे बेस्ट मॉल और यहाँ पहुँचने के लिए जो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है वो है परी चौक और वहाँ से 10 रुपये देकर ऑटो में आप मॉल पहुँच जाओगे। तो भाई मॉल में एंट्री करने से पहले आपको चेकिंग थोड़ी सी होगी, फिर उसके बाद चलेंगे अंदर। तो दोस्तों बात करें यहाँ टाइमिंग की, तो टाइमिंग रहने वाला है 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे। तो भाई हम कर रहे हैं एंट्री। ओ भाई तो दोस्तों ये दिल्ली NCR का सबसे खूबसूरत मॉल में से एक है। तो दोस्तों जैसे ही अंदर आते हो तो एक बार दिखाता हूँ आपको चारों तरफ से कैसा है। भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए भाई इसका व्यू। दोस्तों मैं अगर यहाँ बात करूँ ब्रांड्स की तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के ब्रांड्स रहने वाले हैं जैसे कि एप्पल, एडिडास। और दोस्तों अगर आप मोबाइल लेना है या कपड़े लेने हैं वो ले सकते हैं। अब चलते हैं अंदर और भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वेनिस सिटी में आ गए हो। तो ये देखो भाई कितना गजब का है, बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है भाई इस मॉल में। लुकिंग भाई ये देखो। तो भाई ये है पूरा वेनिस मॉल, इस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, ये देखो। तो दोस्तों बात करें गोंडोला राइड की, कितने रुपये टिकट है? 50 रुपये एक आदमी। 50 रुपये एक आदमी का? सर 400 रुपये। 400? ओ भाई यार 50 रुपये करो, भीड़ लग जाएगी। हाँ ये भी बात नहीं, 5-7 नाव चलाओ ना, अलग एक्सपीरियंस आएगा एकदम, सबको मिलना चाहिए मौका यार। तो भाई हमने तो अपनी बात रखी पर उनकी समझ में नहीं आई बात। तो भाई ये ड्राइव आप कर सकते हैं 400 रुपये पर पर्सन से और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक मज़ा आएगा, वो इनकी तरह एक अलग ही फील आएगा जैसे कि वेनिस सिटी में आप घूम रहे हो और इसके बाहर आप। ये रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल फील ऐसा आता है जैसा कि आप वेनिस सिटी में ही हो। तो भाई ये है एक ड्राइव का एक अलग ही मज़ा आएगा। तो भाई ये एक अलग ही चीज़, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। दिल्ली के अंदर अभी तक ऐसा किसी मॉल के अंदर नहीं है, इसीलिए दिल्ली के सबसे सुंदर मॉल में से एक ये आता है। तो भाई मॉल में ही पूरा लेक टाइप बनाया हुआ है। चलिए अब चलते हैं और आगे। तो भाई इसकी थीम जो है वो पूरी वेनिस सिटी के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों आपको ये थीम कैसी लग रही है? दिस इज ए स्विमिंग पूल, आप यहाँ से आके जंप करके नहा सकते हैं, बट ये मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे घूमती है भाई, आपने भी देखी वो नाव, तो वो 7 मिनट का राइड होती है इसमें पूरी, पूरी 7 मिनट की राइड में। अब एक अलग ही मजा है इसमें। कूदियो मत, कूदना नहीं भाई, कूदना नहीं, रहने दे बस। नहीं 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 ओ भाई ये देखो आप कितनी, मतलब एक अलग ही मज़ा आएगा भाई। स्टेयर्स पे आके आप लोग मज़ा ले सकते हैं यहाँ की इस लोकेशन का, और ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बना देगी आपको यहाँ पे आके। और मैं यहाँ की वैसे बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग मॉल है, बिल्कुल फील आता है कि आप इंडिया में नहीं वेनिस सिटी में पहुँच गए हैं, अलग ही मज़ा। तो अब चलते हैं और थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो वैसे तो भाई यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर ही घूमने, मतलब फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ही ये सारी चीज़ें हैं। और अभी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे भी है ऊपर, तो सारा घूमेंगे, दिखाएंगे आपको एक अलग ही मज़ा। तो भाई यहाँ देखिए कितनी सारी गोल्डोना खड़ी है, और अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको मॉल में क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई
मजा आ रहा ना पूरा। तो भैया अब आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरीके से नज़र आता है और नीचे है इंक्वायरी पॉइंट। और अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर दिखाते हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं ऊपर और सेकंड फ्लोर पे हम पहुंचने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो भाई ये देखो इसका सेकंड फ्लोर और ये है भाई नीरज। तो नीरज कैसा लग रहा भाई तुझे? अरे जितेश मार रहा है भाई पासपोर्ट बनवा रखा था इंडिया में आके जाने का, पैसा वसूल हो गया भाई पूरा। मतलब यहाँ आने के बाद ना, यहाँ आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपका पैसा वेस्ट हुआ है। और टाइम भी थोड़ा सा लगता है इधर आने का। तो भाई यहाँ से जैसे आप ये देखोगे ना भाई व्यू, और ये देखो भाई ये मॉल यहाँ से देखने में कितना सुंदर लगता है। और साइड से सारे ब्रांड्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे खड़ा होकर पता लग सकता है आपको कौन से ब्रांड का क्या शॉपिंग करना है। तो भाई ये है इसका एक अमेजिंग व्यू। तो भाई अगर आप इसके सीढ़ियों पे चढ़ते जाओ तो एक अलग ही मज़ा आएगा और ऐसा लगेगा कि आप कहीं बाहर नई लोकेशन पे आ गए हो। तो इसके अंदर से आप झांक भी सकते हैं और अंदर का व्यू भाई देखो क्या नज़र आता है भाई यहाँ से। तो ये जो मॉल है एकदम अलग ही लेवल का है भाई। मैंने तो अब तक इतना अच्छा और इस तरीके का मॉल नहीं देखा है। मैंने मॉल बहुत देखे हैं पर ऐसा नहीं देखा है सच में। मॉल में गया हूँ मैं, पहली बार ऐसे मॉल आया। मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई ऐसा मॉल आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो भाई अब चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे और आओ दिखाते हैं आपको। यहाँ आने के बाद आपको अलग ही नजर आएगा अलग पूरा। तो अब आ गए हैं हम मॉल के मस्ती जोन में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ क्या क्या मस्ती कर सकते हैं। तो भाई ये जो इसका लास्ट फ्लोर है और यहाँ आपको खेलने की बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। राइड जितने उसमें म्यूजियम में करी थी ना फैंटेसी राइड वाली, वो ये वो है ठीक है। देख वो लगा के ऐसे ऐसे करके ऐसे राइड होती है। तो भाई इधर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, चल सकते हैं वैसे इसके अंदर अभी चलेंगे। तो पहले दिखाते हैं ये सर्कस बच्चों के लिए। और भाई ये देखो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कितने रुपए चार्ज है भैया? 400 रुपये पर पर्सन सर। अच्छा आधे घंटे के लिए ठीक। तो अभी आपने सुना कि इसमें 400 रुपये पर पर्सन का रेट है। एवरीथिंग हर जगह कहीं भी पर पूरी एक्टिविटी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आप हॉर्स राइडिंग वगैरह कर सकते हैं, बाइक रेसिंग कर सकते हैं और ये तो भाई एक अलग ही लेवल है। तो भाई अब चलते हैं मस्ती जोन के अंदर और दिखाते हैं भाई कितना मज़ा आने वाला है। तो भाई अब चलते हैं आप लोगों को लेकर इसके मस्ती जोन में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो भाई इसका एक अलग ही मस्ती लेवल जोन। जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको एक अलग से मस्ती आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये देखो ये बहुत भयंकर चीज़ है। और तो भाई जो ये घूमते हुए देख रहे हैं ये है वॉशिंग मशीन और ये ओपन वॉशिंग मशीन है। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो इसको ट्राई नहीं करूँगा बिल्कुल कभी भी। और बाकी आपकी मर्जी आप कैसे कर सकते हो। भाई इसका जो नाम है वो है कॉटन वॉशिंग मशीन और इसमें कपड़ों की जगह इंसानों को धोया जाता है। ये देखो भाई कैसे मतलब कितनी फोर्स से ये पीछे आके चिपक जाती है भाई। तो इसके अंदर सारी लड़कियां हैं। तो भाई इस मॉल में बहुत सारी मस्ती करने के लिए और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी। तो भाई ये देखो भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये देखो भाई नीरज की मस्ती बचपन वाली अभी तक नहीं रुक रही। और चलो अब दिखाते हैं आपको भाई ये देखो गेमिंग का भाई साहब मैं कह रहा बच्चों के लिए बहुत ही गजब का होने वाला है। और यहाँ तो भाई क्या मतलब अगर बाइक बाइक की बात करें तो बहुत गजब का होगा। भाई मेरी नज़र पड़ी छोटे से हेलीकॉप्टर पर। ये व्यू है
तो चलो भाई अब दिखाते हैं मॉल के अंदर, 7D राइड भी मिल जाएगी और 100 हाउस भी मिल जाएगा। और भाई ये देखो भाई क्यों घंटा लग रहा है कुछ दिन तक जाने के बाद ना भाई बहुत ही ज़्यादा डरना लगता है। तो अब चलते हैं स्नो साइड की तरफ जहाँ पे आपको स्नो का फील मिलेगा। तो भाई ये देखो इसकी गंदी सी कैसी नज़र आ रही है भाई। ओ भाई साहब इतना बड़ा पंखा, भाई सबके बाल कैसे उड़ा रखे इन्होंने। तो चलिए गाइस अब आपको लोगों को दिखाते हैं ऊपर से नीचे का व्यू कैसा नज़र आता है। भाई ये देखो कितना गजब का व्यू है भाई। ये है खाने वाला पोर्शन सारा, वो ये भी टॉप फ्लोर पे है। ये ला भाई दोस्त मेरा फेवरेट। तो भाई चलते हैं पानी पीने, ड्रिंक ऑफ वाटर। तो भाई इस मॉल में एक खास बात बता दूँ भाई, ये देखो पानी पीने का भी यहाँ पे लगा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। और ये देखो बैठ के पानी पी रहा है भाई, इसने पानी निकाला है। अभी दिखाते हैं कैसे इसने इससे पानी पिया है। तो यहाँ बोतल लगा के इसको प्रेस करना है, पानी आ जाएगा और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखो ये भर रहा है भाई पानी, और ये एकदम फ्रेश और चिल्ड पानी है जो बिल्कुल एकदम ठंडा जैसे फ्रिज का पानी आता है। तो ये खास बात आप यहाँ इस मॉल में देख सकते हैं पानी। तो भाई इस फ्लोर पे आप वेज नॉन वेज सभी चीज़ें खा सकते हैं, और यहाँ पे आप दाल रोटी वगैरह एवरीथिंग आपको यहाँ मिलने वाला है। पूरा फ्लोर देख ले खाने खाने का ही है भाई। यहाँ आप इसके जो थर्ड फ्लोर है, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड फ्लोर की, तो भाई थर्ड फ्लोर पे पूरा फूड कार्ट है और यहाँ पे आप अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि बर्गर किंग, पिज़्ज़ा, राजभोग, मैगनम, जितनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है तो वो सब आप अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। इस मॉल से और अभी ये कुछ लास्ट पॉइंट रह गया भाई इसका एक राउंड, और इधर छोटे बच्चे प्रोडक्ट क्या है इधर भी चल रहे हैं, लास्ट रह गया इधर का। और फिर चलते हैं और वीडियो करेंगे एंड। भाई ये है आउट ऑफ स्टैंड, अभी घूम के आए भाई हम लाइफ स्टाइल में, तो हमें तो अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। मैं तो देखने जा रहा था एक वॉच, तो वॉच मुझे थोड़ी पसंद है भाई, वॉच मुझे अपने हिसाब से मिली नहीं कोई, और एक पसंद भी आई थी 18,000 की, बट उसका मुझे जो चैन वाला था वो अच्छा नहीं लगा, पर मैं दिखा नहीं पाया, सॉरी फॉर दिस। भाई बच्चों के लिए तो भाई ये वेनिस मॉल की वीडियो आप लोग कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। चलो भाई वेनिस मॉल की वीडियो करते हैं, आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी, तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।